तो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग, आए हो अच्छे होंगे। तो अभी है सुबह का टाइम, सुबह के 4 बज रहे हैं अभी और मैं निकल चुका हूं अभी तालाब के लिए। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आज जो है मछली निकलेंगी, तो उसी के लिए मैं जा रहा हूं। आज वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है, तो वीडियो पर अगर आप पहली बार आए हो, चैनल पर पहली बार आए हो ना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। तो अभी हम लोग बस पहुंचते हैं और दिखाते हैं आपको कि क्या क्या होता है आज वहाँ पे। अभी मैं पहुंच चुका हूँ तालाब पे, तो अभी बज रहे हैं 4:30 और अभी कोई आया नहीं है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। बिल्कुल अभी अंधेरा हो रहा है बाहर। बिल्कुल अंधेरा है अभी, चांद का रिफ्लेक्शन आ रहा है पानी में। ये देखो मस्त लग रहा है चांद। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो अभी सुबह होनी स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी इधर से सूरज निकलेगा, तो देख सकते हो सामने का व्यू कितना प्यारा आ रहा है, ऑरेंज ऑरेंज सा होता जा रहा है। और अभी और भी ज्यादा हो जाएगा क्योंकि अभी सूरज निकलने का टाइम होने लग गया है और अभी टाइम हो रहा है, अभी 6 बजे नहीं है, अभी 6 बजने वाले हैं, 6 बजे देखना फिर क्या होता है। तो अभी मछली वाले भी आने वाले थोड़ी बहुत देर में, उन्हीं का वेट कर रहा था। बहुत देर हो गई, आज वो लेट हो गई क्योंकि रमजान वगैरह चल रहे हैं, इसीलिए वो अपना सुबह खाना पीना खा के आते हैं, क्योंकि आज पूरे दिन ना तो खाएंगे ना पियेंगे। चलो कोई नहीं, थोड़ा और वेट कर लेते हैं। यहाँ पे गाँव का रोड दोबारा बनना है, तो रोलर वगैरह आया था तो वो यहीं पर खड़ा कर गए, उनसे मना किया था फिर भी उल्टा सीधा खड़ा कर गए। तो अभी देख सकते हो सूरज निकलना स्टार्ट हो चुका है और कितना प्यारा लग रहा है। बिल्कुल मैंने बताया था ना, बिल्कुल ऑरेंज कलर का हो गया है। और एक और सरप्राइज, अभी हम लोग चला रहे हैं क्या रोलर। अरे बाबा गाड़ी देखो कितनी तगड़ी। भैंस लोग लेके जाने, अपनी अपनी भैंस ने लाने ला के सामने बांध देंगे और इसकी टंकी हेरी ऊपर, इतना सा ताला लग रहा है हमें। चलो भगाते हैं ऐसे। चाबी ले गया चाबी इसकी, कोई सी भी लाओ चाबी घुसड़ के स्टार्ट करके देखते हैं इसे चल गया तो ठीक, और वरना सामने तो घुस ही जाएगा। कैसा लगा मेरा मजाक? बताओ जल्दी, तुम बैठोगे फिर? तो अभी मछुआरे भी आ चुके हैं, तो बस अभी जाल वगैरह लगना स्टार्ट होगा। तो अभी जाल बन चुका है और अभी इसको इकट्ठा करके लेके जाएंगे लोग। तो अभी जाल लगना हो चुका है शुरू, तो नाव का आज नाव का बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। तो अभी समर वगैरह चला के भी देख लेते हैं चल रही है कि नहीं है। अभी टाइम 7:30 हो रहा है, भी नहीं चल पाएगी। तो आज की जो वीडियो ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाली, तो वीडियो में बने रहें और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। धूप तो पूरी तरीके से निकली आई है, चलो देख ही लेते हैं एक बार चल जाती है तो। चल जाएगी तो बढ़िया है, वरना थोड़ी देर बाद तो चलानी है ही है। तो अभी नहीं चल पा रही है, इसको बंद ही कर देते हैं थोड़ी देर और के लिए। तो इस वाली जाल के अंदर में बॉल वगैरह लग रही हैं जो कि तैर रही हैं, इसी की वजह से जाल तैर रहा है। और उसमें आगे इस वाले में रबड़ लगी है, इसी की वजह से ऊपर तैरता है। तो अभी ये लोग कोने तक पहुंच गए हैं, तो अभी आधा जाल जो है लग चुका है, अभी इधर ही चलते हैं और दिखाता हूँ अभी आपको। हाँ इधर तो सामने तक आ गया है जाल और इधर भी आ गया है। मछलियां बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से कूद रही हैं ऊपर, अभी सामने देख सकते हो लगातार कूद रही हैं। ये देखो अभी दूर की मछली दिखाई नहीं दे रही, पास दिखाता हूँ, अभी कूद कूद के भाग रही हैं। इधर से देखने में भी दूर लग रहा है और जब हम दूसरी तरफ खड़े थे तो इधर से भी देखने में दूर लग रहा था। जब खुला एरिया होता है, चौड़ी जगह होती है, तो ऐसे ही लगता है। अब ऐसा लग रहा है ज्यादातर जालना जो है ना उधर ही, अभी
उधर से देखने में लग रहा है कि ज्यादातर जाल इधर आ चुका है। ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, आंधी मच गई भाई। डाल देना सर। अरे भाई कैसा भड़क रही है। देख लो कितनी खतरनाक तरीके से उछल रही है। तो मछली वगैरह तो जा चुकी है और अभी हम भी निकल चुके हैं अपने घर के लिए और भूख लगी है बहुत तेज। पेट के अंदर में चूहे नहीं हाथी कूद रहे हैं। मस्त जोक मारा रे, हंस रहे हल्का हंस। तो सबसे पहले कुछ जाके खाते हैं, तो रास्ते में देखते हैं कुछ मिलता है नहीं मिलता। ऐसे मिलेगा, जरूर मिलेगा, जाना पड़ेगा खाने के लिए। तो योगी जी का बड़ा मन था क्या खाने का, नान। तो कल नान मिली नहीं, आज नान खिला के लेके आते हैं। आज देखते हैं कि किस्मत कैसी मिलती है या नहीं मिलती है। तो चलो फिर मिलते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके थे घर पे और अभी मैं मछली लेने के लिए सचिन के घर पे जा रहा हूँ और आज अपने ससुराल भी भिजवा देंगे। और आज मेरी फ्रेंड आई है मुंबई से, तो उसके घर भी जाएंगे घूमने के लिए, तो उसके लिए भी लेके जाएंगे मछली आज। अरे बाबा! तो अभी मैं सचिन के घर से आ चुका हूँ, उसको भी उनके घर भी मछली लेके आ गया था और जहाँ भी जाना था वहाँ भी दिया है। तो अभी घर पे आ गया हूँ, भी नहा धो लेते हैं, तैयार हो जाते हैं क्योंकि आज जाना है हमें कहीं। तो तैयार हो गए, फिर मिलते हैं। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं। तो मैं आपको बता दूँ आज हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो मेरी एक फ्रेंड है, 5 साल से वो मेरी फ्रेंड है, मुंबई की है। तो उसका जो गांव है ना वो अलीगढ़ जिले के अंदर ही है, तो अलीगढ़ से 30-35 किलोमीटर दूर पड़ता है उसका गांव। कई बार वो आ चुकी है और हम लोग मिल नहीं पाए अभी तक। आज वो फाइनली वो दिन है जिस दिन हमारी आज मुलाकात होने वाली है। तो आज मैं योगी जी जा रहे हैं आज अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए। तो हर बार टल जाती है बात, तो आज नहीं टालेंगे बात, क्योंकि कई बार मतलब मेरी फ्रेंड की मम्मी बोल चुकी है कि अरे यार ऐसी टाल देते। तो चलो आज मिल के आते हैं और देखते हैं आज कैसा एक्सपीरियंस रहता है, पहली बार मिलने जा रहे हैं। तो चलो जो भी है देख आते हैं आज आपको और देखते हैं कैसा रहता है। एड़ा चुंगी पर ना यही बवाल लेता हमेशा। देखो सामने कितना तगड़ा जाम लगा है, अभी भी खड़ा था, अभी एक रेड लाइट हो गई, दोबारा से फिर रेड हो गई है, ग्रीन होके रेड हो गई दोबारा। तो यहाँ का ना बहुत ही बड़ा पंगा है ना, ये पता नहीं यार बहुत ही ज्यादा, क्या कहूँ मैं अब की बात। एड़ा चुंगी तो फेमस हो गया यार जाम के लिए, निकल ही नहीं पाते हम लोग यहाँ से, क्योंकि अंदर का रामघाट रोड पे बहुत तगड़ा जाम होगा गाड़ी। भाई साहब जाम बचाने के लिए तो हम यहाँ से आए थे और अभी भी हम लोग जाम में फंसे हुए हैं। वैसे पूरे रास्ते कहीं जाम नहीं मिलता है, यहाँ मिलता है और कहीं नहीं मिलेगा, और एक बार कुआरसी चौराहे पर मिल सकता है बस, और कहीं नहीं मिलने वाला। चलो निकलते हैं यहाँ से। तो अभी हम लोग चल रहे हैं तरौली वाले रोड पर। तो यहाँ अच्छा खासा डेवलपमेंट है, लेकिन यार हमारे लिए यहाँ पे बिल्कुल आना ठीक नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल आउट एरिया में पड़ता है।
हमें जाना पड़ता है खुर्जा वगैरह, तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पे भाई स्कूल वगैरह भी बहुत अच्छे अच्छे हैं और यहाँ पे कंपनी वगैरह भी खुली हुई है बहुत सारी। तो चलो यार हम लोग पहुँचते हैं आगे। तो अभी हम लोग अपनी फ्रेंड से मिल के आ चुके हैं, तो वहाँ पे मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया क्योंकि उस तरीके का माहौल नहीं बन पा रहा था। तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम बनाएंगे वीडियो और मैं अपनी फ्रेंड से मिलाऊंगा, मुंबई वाली फ्रेंड से मिलाऊंगा। तो अभी हम लोग बस अलीगढ़ पहुँचने वाले कुछ ही देर में, तो अलीगढ़ पहुँचते हैं। और आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं, तो अब घर पहुँचने के बाद सिर्फ एक ही काम है, वो सोना है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय।